दो मुल्कों की चल रही जंग में जो तबाही मची उसमें इस महिला का क्या कसूर था, उसमें इस मासूम बच्चे का क्या दोष था। इन रोते बिलखते सिसकते चेहरों को गौर से देख लीजिए। ये वही लोग हैं जो इस जंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये वही लोग हैं जो किसी भी हाल में जंग नहीं चाहते थे। पूरी दुनिया जानती है कि युद्ध के मैदान से होते हुए जब भी कोई जंग लोगों की दहलीज तक पहुंचती है तो इसका सबसे पहला शिकार औरत और बच्चे होते हैं। वो सबसे पहले बेघर और बेसहारा होते हैं। डोनेस्क में चल रही जानलेवा जंग के बीच ऐसे 20 बुजुर्गों को बचाया गया। इन्हें लाइमन से नीप्रो लाया गया। बताया जा रहा है कि इन बुजुर्गों को रूसी सेना की मदद से यहां तक पहुंचाया गया है। इसी बीच रूस ने उस दावे को खारिज कर दिया है कि डोनबास में चेचन लड़ाके यूक्रेनियों को बंधक बना रहे हैं और वहां से निकलने नहीं दे रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि अब तक 9,75,000 यूक्रेनियों को रूस में शरण दी गई है और अभी भी 27,00,000 लोग यूक्रेन से रूस आना चाहते हैं। रूस ने दावा किया है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 1,80,000 बच्चे रूस लाए गए हैं। और देखिए डोनेस्क के लिमन में ऐतिहासिक इमारत में भीषण आग लग गई। यूक्रेनी MLRS के हमले के बाद लपटों में इमारत घिर गई। इमारत के आसपास रूसी सैन्य ठिकाने होने का दावा किया जा रहा है। इन्हीं ठिकानों को टारगेट करके यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया था। ये डोनेस्क का लीमन इलाका है जहाँ एक ऐतिहासिक इमारत शोलों में घिरी हुई है। बताया जा रहा है कि इस इमारत और इसके आसपास रूसी फौज ने अपना अड्डा बनाया था जिसे निशाना बनाकर यूक्रेन ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का मुंह खोल दिया, ताबड़तोड़ हमले किए और बिल्डिंग से लपटे उठने लगे। इस हमले में रूसी फौज के नुकसान का तो पता नहीं चला लेकिन यूक्रेन की संस्कृति का इतिहास झुलस गया। जंग से पहले इस इमारत को हाउस ऑफ कल्चर कहा जाता था लेकिन आग ने इसकी पहचान मिटा दी है। डोनेस्क के जिस लीमन इलाके पर यूक्रेन ने ये हमला किया है उस पर रूसी शिकंजा कसता जा रहा है। डोनेस्क और लुहांस को अलग देश का दर्जा देने के बाद रूस और डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक के लड़ाके इस इलाके पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। तबाही और जान माल के नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि साल 2001 में यहाँ की आबादी करीब 28,000 थी लेकिन अब केवल 20,000 लोग रहते हैं। जंग के बीच 8,000 लोग कहाँ गए, मारे गए या इलाका छोड़कर चले गए, इसका किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। देश में कोयले की कमी से पावर कट की समस्या बढ़ गई है। डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम होने से यह संकट गहरा गया है। दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में बिजली कट की समस्या है। देश में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से पावर की सप्लाई पर साइड इफेक्ट पड़ा है। डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम होने से देश में बिजली संकट बड़ी चुनौती बन गई है। प्रोडक्शन यूनिट में कोयले की कमी से कई राज्यों में बिजली का संकट गहराया है। दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में 2 से 10 घंटे की अघोषित बिजली कटौती से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में भीषण गर्मी की वजह से बिजली की मांगें काफी बड़ी हुई हैं। प्लांट प्रशासन के मुताबिक कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण प्लांट में बिजली के उत्पादन पर असर पड़ने लगा है और जल्द कोयले की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाई तो बिजली उत्पादन में कमी की वजह से हालात और बिगड़ सकते हैं। NTPC के पावर प्लांट्स दादरी में भी कोयले की कमी का असर होना शुरू हो गया है। यहाँ पर बिहार, झारखंड और यूपी से कोयला आता है। दादरी पावर प्लांट के लिए रोजाना 26,000 से 28,000 टन कोयले की जरूरत है लेकिन इतने कोयले की भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आम दिनों में यहाँ 20 दिन का कोयला स्टॉक में रहता है लेकिन कोयले की सप्लाई में पिछले कुछ दिनों से हो रही कमी की वजह से स्टॉक घटकर महज एक हफ्ते का रह गया है। और समंदर में चीन की बड़ी साजिश, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करने की तैयारी में है चाइना। अपनी नेवल पावर लगातार बढ़ा रहा है चीन। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यह जानकारी दी। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच अपनी जंगी तैयारियों को धार दे रहा चीन समंदर में अपनी विध्वंसक साजिशें रच रहा है। अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर बन चुका चीन क्या अब चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? ये सवाल उठाया है हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने। दरअसल अखबार ने यह दावा एक सैटेलाइट इमेज के आधार पर किया है। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में कुछ फाइटर प्लेन नजर आ रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का दावा है कि ये दुश्मन को चकमा देने में माहिर FC-31 स्टिल्थ फाइटर प्लेन्स हैं, जिन्हें PLA के लियाओनिंग नेवल बेस पर चीन के J-16 फाइटर जेट्स के बिल्कुल करीब में रखा गया है। दावा किया जा रहा है कि इन्हें चीन के चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जा सकता है। अभी करीब हफ्ते भर पहले ही चीन ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की झलक दिखाई थी और इतनी जल्दी चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर की चर्चा गंभीर सवाल उठा रही है। दरअसल ताइवान के मसले पर समंदर में चीन और अमेरिका की तनातनी चरम पर है। माना जा रहा है कि चीन इसी वजह से अपनी जंगी तैयारियां तेज कर रहा है, समंदर में शक्ति बढ़ा रहा है। और पूरे उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी से लोगों का बुरा हाल है।
देखिए पटना और दिल्ली से ये हमारी रिपोर्ट। गर्मी तो बहुत है, इस गर्मी में अपना भी बचना है और गर्मी में सभी लोगों को ट्रैफिक को रेगुलेट भी कराना है, जाम भी नहीं लगे, सबको देखना है। हाँ, ड्यूटी तो करना ही है, जब सरकार का नौकर हैं और गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो तो ड्यूटी तो हम लोग को करना ही है। पटना में गर्मी तो है भैया, गर्मी रहते हुए भी तो देखना है, ड्यूटी करना है, आगे का प्रक्रिया देखना पड़ता है, गाड़ी घोड़ा चल रहा है, सबको अपना भी जान बचाना है, दूसरे को भी जान बचाना है। बढ़ते तापमान ने पिछले 72 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिलहाल मैं एक कूलर मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर तस्वीर देखिए, कूलर की इस दुकान में लगातार ग्राहक आ रहे हैं और अपने अपने तरीके से कोशिश की जा रही है कि इस भीषण गर्मी से बचने के लिए वो अपने अपने उपाय कर पाएं। सर, कूलर लेने आए आप? हाँ जी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या कुछ बचने के उपाय कर रहे हैं आप लोग? बचने का उपाय भैया कूलर ही है, एसी है, पंखे हैं, बस और तो कुछ नहीं है, वही कूलर देखने आए थे। यूक्रेन के ओडेसा में बड़े पैमाने पर दंगा करवाने की साजिश की जानकारी सामने आई है। यूक्रेन की पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के पास से बड़े पैमाने पर हथियार, हथगोले बरामद किए गए हैं। पोस्टर और अन्य कई तरह के दस्तावेजी सबूत भी मिले हैं। यूक्रेन में एक और आमने सामने की जंग जारी है। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है, तो वहीं दूसरी साजिश की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ओडेसा में बड़े पैमाने पर दंगा करवाने की साजिश रची जा रही है। यूक्रेन की पुलिस ने सामूहिक दंगा कराने की योजना बनाने वाले लोगों के एक ग्रुप को हिरासत में लिया है। इनके पास से बड़े पैमाने पर हथियार, हथगोले बरामद हुए हैं। आरोपियों के पास से पोस्टर और अन्य कई तरह के दस्तावेजी सबूत भी मिले हैं, जिनके जरिए ओडेसा में विद्वेष फैलाकर दंगा करवाने की साजिश रची जा रही थी। यूक्रेन की पुलिस इस पूरे मामले की व्यापक जांच पड़ताल में जुटी है, वे आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। और जनरल मनोज पांडे ने आर्मी चीफ का पदभार संभाल लिया है और आर्मी चीफ ने कहा कि हर चुनौती के लिए मिलकर काम करेंगे और उसका सामना करेंगे। देश के 29वें सेना प्रमुख बने हैं जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे ने ली है जनरल नरवणे की जगह। नए आर्मी चीफ मनोज पांडे ने पदभार संभालते ही कहा कि अब दुनिया की भू राजनैतिक स्थिति बदल रही है, ऐसे में चुनौतियां ज्यादा हैं। दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे आर्मी चीफ ने कहा कि बाकी दोनों सेना के साथ समन्वय के साथ हम इन चुनौतियों का सामना करेंगे। हमारे आगे कई चुनौतियां हैं, हर संभव चुनौती का सही मायने में सामना करना हमारे स्थल सेना का काम है। पूरे समन्वय, सहयोग और सामंजस्य से हम तीनों मिलकर इन चुनौतियों का और हर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। जनरल मनोज पांडे देश के 29वें सेना प्रमुख बने हैं। उन्होंने वर्तमान जनरल एमएम नरवणे की जगह ली है। जनरल पांडे 13 करोड़ मजबूत बल का नेतृत्व करने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं, जबकि जनरल मनोज पांडे ने 1 फरवरी को सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 3 महीने बाद ही मनोज पांडे ने सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने के लिए कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जनरल पांडे ने ऐसे समय में भारतीय सेना की कमान संभाली है जब पाकिस्तान और चीन के साथ LOC और LAC पर तनाव शामिल है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।